पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 7वें मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल तीसरी फतह और लाहौर कलंदर्स की मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पॉइंट्स टेबल भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी टीम किस नंबर पर है। नंबर 6 पिशावर जलमी, बाबर आजम की टीम पिशावर जलमी पॉइंट्स टेबल के छठे और आखिरी नंबर पर है, जिसने अब तक अपने पहले दोनों मुकाबलों में सिर्फ हार का सामना किया है और कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। नंबर 5 लाहौर कलंदर्स, शाहीन आफरीदी की टीम लाहौर कलंदर्स ने भी अपने पहले मुसलसल तीनों मुकाबलों में सिर्फ शिकस्त का सामना किया है और अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी और पॉइंट्स टेबल के 5वें नंबर पर है। नंबर 4 कराची किंग्स, कराची किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल के 4थे नंबर पर है। इन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और 1 मुकाबले में जीत 1 मुकाबले में हार के बाद 2 पॉइंट भी हासिल कर रखे हैं। नंबर 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड्स, इस्लामाबाद के यूनाइटेड्स ने भी अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और 1 मुकाबले में जीत 1 में हार के बाद 2 पॉइंट हासिल कर रखे हैं और पॉइंट्स टेबल के 3रे नंबर पर हैं। नंबर 2 क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा के ग्लैडिएटर्स ने अपने पहले दोनों मुकाबलों में शानदार जीत के साथ 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं और पॉइंट्स टेबल के 2रे नंबर पर हैं। नंबर 1 मुल्तान सुल्तान्स, मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान्स ने अपने पहले तीनों मुकाबलों में शानदार जीत के साथ ना सिर्फ 6 पॉइंट हासिल कर रखे हैं बल्कि पॉइंट्स टेबल को भी लीड कर रहे हैं।